नमस्कार सर। सर अपना नाम बताइए पहले। जय भगवान उपकार। अच्छा, आप विधायक हैं? जी, बवाना विधानसभा। बवाना विधानसभा। तो आज महाबल मिश्रा नॉमिनेशन के लिए आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीद लगती है आपको? देखिए, जिस प्रकार से आज जन सैलाब महाबल मिश्रा जी के लिए जो उमड़ा है, उससे तो पता लग रहा है कि महाबल मिश्रा जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, और जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पे कि उन अरविंद केजरीवाल जेल में है, दो दो मंत्री जेल में है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी जमानत भी नहीं हो रही। जो जेल का जवाब बोर्ड से देंगे हम। हाँ जी, बताएंगे। हाँ, क्योंकि वो तो आरोप लगा रहे हैं, हमारे जो मंत्री हैं वो पाक साफ है। हाँ, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जबरदस्ती हमारी जो सरकार है हाँ करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको सबको परेशान किया जा रहा है। और जनता सब जानती है कि झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, तो जनता जो है जेल का जवाब वोट से देगी। और वो समय अब आ गया है, 25 मई को जनता अपने आप बता देगी कि किसने काम किया और किसने भ्रष्टाचार किया, किसने नहीं किया। क्योंकि जो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्टाचारी है, वो उसमें आकर के उनकी धुलाई हो जाती है। और जो आम आदमी पार्टी है जी, उस पर भ्रष्टाचार का अच्छा, तो ये तो खुद ही बीजेपी को सोचना पड़ेगा। ठीक है, जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना पहले नाम बताइए। देखिए सर, मेरा नाम बलविंदर सिंह है, मैं रजौरी गढ़ विधानसभा से हूँ। हाँ जी। और आज हम इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार महाबल मिश्रा जी की नामांकन रैली में आए हैं। हाँ हाँ। और जैसे कि आपको मालूम है, आपने भी देखा कि यहाँ पे लोगों के अंदर भारी उत्साह है कैंडिडेट जो महाबल मिश्रा जी हैं, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल हो गए दिल्ली में, सातों के सातों सांसदों ने कोई कार्य नहीं किया, बिना लूट, सिर्फ लूट खसूट के अलावा। और जब हम काम करते हैं तो हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। केजरीवाल जी काम करते हैं तो उसमें LG के द्वारा रोड़ा अटका के काम को रोक दिया जाता है। अब बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो सांसद द्वारा चुने जाने हैं वो कहीं वो जीत ना जाएं, इसलिए वो बुरी तरह से बुखलाहट में है। केजरीवाल जी को उन्होंने ऐन चुनाव के मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही वर्डिक्ट दिया है कि आपने ऐन चुनाव के मौके पर ही क्यों गिरफ्तार किया, तो उनसे जवाब देते हुए बनता नहीं आ रहा। तो बहुत भारी बौखलाहट है बीजेपी में, अमित शाह जी में, मोदी जी में, कि ये इस बार जीत ना जाएं। तो लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता को पता चल चुका है, जनता जेल का जवाब वोट से देगी और भारी बहुमत से महाबल मिश्रा जी को जिताएगी। कम से कम 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हम जीत रहे हैं पश्चिमी दिल्ली। ठीक है, धन्यवाद। मैडम आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम रुपिंदर कौर है, मैं डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगी, आज महाबल मिश्रा नॉमिनेशन दाखिल करने आए, कितनी उम्मीद लगती है आपको? हाँ जी, आज बहुत खुशी का दिन है, महाबल मिश्रा जी अपना नामांकन पत्र जो है भरने आए हैं SDM ऑफिस पे। तो आप देख सकते हैं कैसे जनता और वॉलंटियर अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, जनता में कितना खुशी की लहर है। और पूरी उम्मीद करते हैं हम भारी से भारी मतों से जीतेंगे, और जनता अपना भारी सपोर्ट केजरीवाल जी को दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है, अपना बेटा अपना भाई समझकर केजरीवाल जी को वो लाना चाहते हैं। और केजरीवाल जो जेल में है, उनकी जमानत भी नहीं हो रही, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जमानत वो होने नहीं देंगे ना। हाँ जी। कोई उनके पास सबूत ही नहीं है कि उन्होंने कोई भी भ्रष्टाचार किया है, कोई घोटाला हाँ किया है, आज तक उनके खिलाफ कोई भी एक भी सबूत नहीं मिला। हाँ हाँ। तो वो जमानत उनको इलेक्शन, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जमानत जो होगी इलेक्शन के बाद ही होगी, उनको जानबूझकर जेल में डाला गया ताकि वो अपना कोई प्रचार ना कर पाए। मनीष सिसोदिया भी और सत्येंद्र जैन भी 2 साल से जेल में हो गए। जी बिल्कुल। तो उनकी क्यों नहीं जमानत हो रही? उनके खिलाफ भी अभी तक एक भी सबूत सामने नहीं आया, कोई घोटाला सामने नहीं आया है, बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया। ठीक, थैंक यू। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आगे 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 आराम से पूछ लो यार, थोड़ा दूर। अरे तो थोड़ा और आगे हो जाइए भाई। साहब बुला रहे हैं, देखो देखो कौन आया, चले बात नीचे करो। मैडम मैडम रुक जाओ, सेल्फी बाद में। अच्छा, ठीक है भाई। रोल सर, महाबल मिश्रा जी ने अपना नामांकन किया है, हमारे सारे विधायक पार्षद पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब मौजूद थे,
और पूरी पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, हमारे पार्टी के विधायक, सारे लोग मिलके महाबल मिश्रा जी को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। दिल्ली में एक ही नारा चल रहा है, जेल का जवाब वोट से। दिल्ली के लाल केजरीवाल को मोदी जी की तानाशाह सरकार ने जो जेल में डाला है, उसकी बहुत प्रतिक्रिया है, गुस्सा है लोगों के मन में। और इसी के कारण इस बार लोग एक ही बात कह रहे हैं, जिसने हमारे बच्चे को शिक्षा दी, अच्छा इलाज दिया, बिजली फ्री, पानी फ्री दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, जिसने हमारी सेवा की, अगर उसको जेल में डाला गया तो जेल का जवाब हो सके। कांग्रेस संजय जी क्या लग रहा है अभी भी बीजेपी का नारा, अभी भी 400 पार? देखिए, 400 पार एक फर्जी नारा है। बंगाल में 200 पार कहा था, 73 आई। दिल्ली में 45 पार कहा था, 8 आई। मिजोरम में 21 पार कहा था, 1 आई। ये 400 पार की जगह अब कुल सीटें आनी है, वो इनकी 150 से ज्यादा नहीं आ रही है, 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की। भाग्य बाजी आई, बाजी 2.5 किलो का एक बार, नो बाजी, नो, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी में पड़ता। आप ही की बात सुन के तो उन्होंने घर बनवाया बांगड़ सीमेंट से, है ना? बताया क्यों नहीं? अपना घर तो बांगड़ से सॉलिड कर लिया, हमारे घर का क्या? हमारा देश, हमारा घर ही तो है, और वो सॉलिड बनेगा आपके वोट से। मैं समझ गया सर। तो वोट जरूर देना जिसे सही समझो, क्योंकि जितने ज्यादा वोट उतना सॉलिड। बांगर सीमेंट, वोट सॉलिड, देश सॉलिड। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा कोहली है। हाँ जी, मैं नॉर्थ वेस्ट लोकसभा अध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी से। हाँ हाँ, और अभी सबको पता है कि हमारी दिल्ली के अंदर 700 सीटें आ रही हैं। अब ये क्या है, मोदी जी की बोखलाहट है। हाँ। 400 पार, अरे 400 पार थी, तुम सारे के सारे कड़ी पार हो। हाँ हाँ, 400 पार का नारा जो दे रहे हैं ना, ये सबको पता है। अभी ये देखो, हरियाणा में मतलब कि बीजेपी वालों को नो एंट्री। हाँ। इतनी तो इनको बुकत हो गई, झूठे मारे कि हरियाणा में कोई भी बीजेपी। लेकिन एक बात बताइए, जमानत क्यों नहीं हो रही? मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं हो रही, सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं हो रही? मैं बता दूं। हाँ। क्यों नहीं हो रही, आप ये बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ? सबको पता है ना, मैं ऐसे फिरौड़ियों के पास बैठना पसंद नहीं करता। महाराष्ट्र में जितने भी थे फिरौड़ी, चोर और मतलब कि बाउंड का ये जो सिलसिला चल रहा था, उसमें क्या महाराष्ट्र वालों को वो पास में नहीं बिठाना चाह रहे थे, अब उनको बीजेपी को ज्वाइन करवा ली, तो अब वो दूध के धुले हो गए, वॉशिंग मशीन में आ गए, बिल्कुल सफ़ेद हो गए। तो मोदी जी का तो यही है कि कोई भी आओ वॉशिंग मशीन में धुलो, साफ सुथरे। इनकी सरकार है, ये ईडी तो छोड़ देते हैं, कभी ये पुलिस वालों को छोड़ देते हैं, सीबीआई को छोड़ देते हैं, सारी सरकार इनके हाथ में है। पर एक दिन ये ना सब कुछ छूट जाएगा, जो भी ईडी जो लगा रही है हमारे नेताओं को बंद कर रखा है, ज़्यादा दिन तक बंद नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा ये बताओ, आप ये बताओ कि मोदी जी को दिल्ली के अंदर पंजाब में भी किसी से डर नहीं लगता? एक हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनसे उनको डर लगता है। दिल्ली में उन्होंने फ्री शिक्षा कर दी, फ्री अस्पताल कर दिए, महिलाओं के फ्री बस कर दी, तीर्थ यात्रा, कोई बेटा मुश्किल ही कोई तीर्थ कराता होगा जो केजरीवाल जी ने एक बेटा बन के। लेकिन 9 साल से बुजुर्गों की पेंशन नहीं लग रही, ये भी तो आपको पता है ना, दिल्ली में वो क्यों नहीं लग रही? ये केंद्र सरकार के अंदर में है। हाँ हाँ, बुजुर्गों की पेंशन नहीं, केंद्र सरकार नहीं, दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। केंद्र दिल्ली सरकार ने ही लगानी थी, ये तो हर काम कहते हैं हमें एलजी नहीं करने दे रहे। देखो, राशन कार्ड और सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो केंद्र सरकार ने रोक रखी है। एलजी बैठा दे नाक बन के वहाँ पर, सारे काम तो एलजी रुकवा देते हैं। दिल्ली के अंदर काम हो रहे हैं, हर काम के अंदर अड़चन डाल देते हैं, हर काम के ना करते हैं, ना करने देते हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पहले वाली पब्लिक थी जिसको गुमराह करा जाता है, क्योंकि पब्लिक के चलो पब्लिक का नतीजे में आ ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है, महाबल मिश्रा जीतेंगे क्या? सबसे ज्यादा वोटों से, सबसे ज्यादा वोटों से अब दिल्ली की सातों की सातों सीटें आ रही हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पहले वाले इनके जो एमपी थे, इन्होंने क्यों चेंज करे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं करा। एक वो है हमारे यहाँ से हंसराज, दिलता मामला उठाता रहता है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो कर रहे हैं लाइफ में कुछ काम, उसने कभी पब्लिक के बीच में नहीं आए, तो इसलिए
हम सातों सीटें जीते हैं और बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। ये बौखलाहट है मोदी जी की, घबराए बैठे हैं। 405 कड़ी पार, ठीक है। उनकी घबराहट सामने आती है, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं तो कभी जाति पाति की बात करते हैं। इनके पास मुद्दा क्या है? कुछ पीएम को ये बातें करनी सौंपा नहीं देती। आप पीएम है, आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप महिलाओं को क्या बात बता रहे हैं कि अगली सरकार आएगी मंगलसूत्र छीन लेगी? अरे आपने किसी को मंगलसूत्र पहनने लायक छोड़ा है? कितना हम तो 16 दिन बाद महंगाई करते हैं, महंगाई बढ़ाई है, लोगों को महंगाई की मार चला रही है। ठीक है, थैंक और आपकी मैं अपना धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो आपने दिल्ली में ईवी पॉलिसी लागू करी है, उससे बहुत पॉल्यूशन पे असर पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने नई टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं हो रही और मनीष सिसोदिया भी काफ़ी समय से जेल में है, हमें जुडिशरी में पूरा भरोसा है। हाँ जी, जैसे कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठीक है, थैंक यू सर।